आज वो सत्ता में है, कल हम सत्ता में हो सकते हैं और आप विपक्ष में हो सकते हैं। ठीक है, आपका आपका विचार स्वागत योग्य है, लेकिन इस पर आगे कुछ कार्रवाई अभी नहीं हो सकती है। बात तो समझिए कि ये परिपाटी आज शुरू हो गई तो आज सुनील सिंह की बारी है, कल किसी और की बारी आ सकती है। ये आपका जो हो रहा है ना, ये आसन के निर्णय पर आप प्रश्न उठा रहे हैं और इस पर भी कार्रवाई हो सकती है, जान लीजिए, इस पर भी कार्रवाई हो सकती है। क्या लोकतंत्र की हत्या हुई है, इसको पांडे जी के अगेंस्ट में आप नोट कीजिए, लोकतंत्र की हत्या वाला जो हुआ है इसको नोट कीजिए, इसको फिर आचार समिति में आप, मैं देता हूँ और माननीय इसके जो अध्यक्ष जी हैं इस पर विचार करेंगे। आप आपका आपका ये है, आप ही बोले आसान से, नहीं आप चाहे तो बोल सकते हैं, आप चाहे तो बोल सकते हैं, वो सब माननीय सदस्य जो चले गए वो अब नहीं बोल सकते। और कोर्ट में भी जब फांसी पड़ता है तो उससे पूछा जाता है कि अपनी अंतिम इच्छा, उनकी ये फांसी थोड़े दिया गया, सदस्यता चली गई, अब क्या बचा, अब सदस्यता चली गई, किसको बनाई चली गई महोदय जी। हम आग्रह करते हैं महोदय, बस कुछ नहीं, नहीं वही वही जिसके साथ आप कह रहे हैं ये जाएगा, मैसेज जाएगा वहाँ, ये भी मैसेज जा सकता है कि जिस सदस्य की सदस्यता समाप्त कर गई उस स्थान को खाली कर दिया गया, उससे बुला कर कैसे पूछा जा सकता, हो सकता है, तो ये कैसा मैसेज जाएगा। ठीक है बात, तो आप में से जो चाहे कुछ बोल सकते हैं। घटना ये हुई है भारतीय लोकतंत्र में और बिहार के विधानमंडल के इतिहास में, ये अपने आप में एक अनूठी घटना है और पहली घटना है। इस तरह से किसी सदस्य की बोल लेने दिया जाए, दिवेश जी बोल लीजिएगा, आप तो समय मिलेगा, बोलने दीजिए, कम से कम अभी हृदय के दर्द को समझिए। आज आप सत्ता पक्ष, अध्यक्ष महोदय मैं अपने सभी सत्ता पक्ष के मित्रों से कहना चाहूंगा कि आज वो सत्ता में है, कल हम सत्ता में हो सकते हैं और आप विपक्ष में हो सकते हैं। एक गलत परंपरा की शुरुआत हुई है और लोकतंत्र में किसी की आवाज का गला घोटना अपने आप में एक विलक्षण और बहुत ही दुख भरी, दर्द भरी और बहुत ही बुरी परंपरा है। आप सारे लोग इस बात को समझिए कि ये परिपाटी आज शुरू हो गई तो आज सुनील सिंह की बारी है, कल किसी और की बारी आ सकती है, इसलिए इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। हम सबको, मान्य सदस्य, आप नए सदस्य हैं सर, इसके बारे में आप जान लीजिए कि कुछ दिन पहले आप ही लोगों ने रामबली सिंह की सदस्यता समाप्त कराई थी सर, और उसके बारे में तो एक शब्द आप नहीं बोले थे, वो जो रामबली चंद्रवंशी जी की बात है तो आपके लिए सही और इधर के लिए गलत। बिल्कुल सर, आपके अनुमति से कहना चाहूंगा कि चंद्रवंशी जी की जो सदस्यता समाप्त हुई, पूरा सदन जानता है, सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं महोदय, कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे, वो एक अलग कार्रवाई थी, वो नम्रता कार्रवाई थी। ये तो सदन विरोधी कार्य में संलिप्त थे तो। महोदय सदन में बहुत सारी बातें लोग कहते हैं और ये बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, मंत्री के बारे में बहुत कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, अब हो गया, कुछ नहीं आएगा। ठीक है ठीक है, आपका आपका विचार स्वागत योग्य है, लेकिन इस पर आगे कुछ कार्रवाई अभी नहीं हो सकती है। इतना बड़ा दंड का कहीं कोई प्रावधान नहीं है महोदय कि सीधा सीधा सदस्यता समाप्त हो जाए, ये बहुत बड़ी घटना है महोदय, भले लग रहा है कि बहुत छोटा एक सदस्य का गया है, एक नई परंपरा की यहाँ से शुरुआत होने जा रही है महोदय, एक 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 नहीं नहीं सही दोषी व्यक्ति एक, ये आपका जो हो रहा है ना, ये आसन के निर्णय पर आप प्रश्न उठा रहे हैं और इस पर भी कार्रवाई हो सकती है, जान लीजिए, इस पर भी कार्रवाई हो सकती है। क्या लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये आसन से लोकतंत्र की हत्या हुई है, इनको पांडे जी के अगेंस्ट में आप नोट कीजिए, लोकतंत्र की हत्या वाला जो हुआ है इसको नोट कीजिए, इसको फिर आचार समिति में आप, मैं देता हूँ और माननीय इसके जो अध्यक्ष जी हैं इस पर विचार करेंगे। महोदय हाँ, ये आप बंद कीजिए, ये चलने वाला नहीं है। धन्यवाद।